अजमेर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा को ज्ञापन सौंपा और बताया कि 8 जून को पंचशील स्थित बिजली कार्यालय पर संविदा कर्मी पॉजिटिव आया था, लेकिन पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अभी तक कार्यालय परिसर में कार्य चल रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण मामले में बिजली विभाग के कार्यालय में साफ तौर पर लापरवाही बढ़ती जा रही है। काल के अंतर्गत निरंतर निर्देश दे रही है कि संक्रमण के लिए लापरवाही ना बरती जाए और अपना कार्य बचाव रहते हुए किया जाए। दिनांक 8/6/2020 को अजमेर विद्युत वितरण निगम अजमेर के अंदर एक संविदा कर्मी CPC विंग के अंदर कोरोना पॉजिटिव मिला। 9/6/2020 को डिस्कॉम के प्रबंधक VS पाटी साहब ने 12 बजे से 4 बजे तक सेटलमेंट उसी विंग के अंदर 12 बजे से 4 बजे तक सेटलमेंट मीटिंग की। 10/6/2020 को वापस डिस्कॉम के अंदर कोरोना पॉजिटिव मिला, कर्मी एक कोरोना पॉजिटिव मिला। उसके बावजूद भी वहां पर आज भी निरंतर रूप से उस विंग को सीज करने की बजाय वहां पर सेटलमेंट मीटिंग हो रही है। आम